अभी हम लोग जा रहे हैं सैलॉन, क्योंकि आज सैलॉन पे आए हैं क्लाइंट और बज गया है अभी 3:30। और क्लाइंट आए हमारे दिल्ली से, दिल्ली से आए वो, और उनको करवाना है हेयर रिफरिंग, यानी एक्सटेंशन जो उन्होंने लगाया है उसकी रिफरिंग करना है उनको। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होके, और स्लोस्ली बात कर रही हूँ क्योंकि आइजा सो रही है। सुबह में वो लोग गए थे दवाखाना इंजेक्शन लगाने, बट बहुत रश थी तो वापस आ गए, तो इसके लिए लोग कर वापस सोए। इसके लिए हम लोग जा रहे स्लो स्लो से फटाफट, और मैं खा रही खिचड़ा। रेडी, अभी निकल रहे हम लोग सैलॉन के लिए, क्लाइंट वेटिंग कर रहे, और थोड़ा वो लोग नाश्ता वास्ता कर रहे जब तक हम लोग, थोड़ा सा लेट हो गया कुछ काम था, बस निकल ही रहे हम लोग। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट सैलॉन पे। जाना आज, जाना हो मेरी पैंट से में, अरे पतलून पतलून पे चल रहा है काम। शान देखो बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है। शान क्या कर रहा भाई? आज बिजी है। आज बिजी। चीनू क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? मैं कर रही हूँ हेयर एक्सटेंशन के लिए फिर नैनो। हाँ यहाँ शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ। शान तू क्या कर रहा है? हम बाल बना रहे हैं। बाल बना रहे हैं? आज बहुत बिजी है ना? आज बहुत ज्यादा बिजी है। किसी से बात करने के तो कृपया करके कोई भी फोन ना करे शान को आज। आज किसी की फोन नहीं पिक होगी। ओके तो मैं डाल देती हूँ ये। मेरा काम माशाल्लाह, क्लाइंट आए थे वो चले भी गए, और मैं आते बराबर काम में लग गई थी, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। थोड़ा बहुत मैं काम कर रही थी वो शूट की, और हमने रील्स बनाए हुए हैं, हमने अच्छा रिव्यू भी दिया है, तो आप लोग जाकर हमारा इंस्टाग्राम के पेज पे भी जाके देख सकते हो, है ना। और देखो आज जाना ने मुझे कपड़ा दिलाई है, और आज आया था आकिब। आकिब कौन? आकिब जो आनंद ढाबा जिसका है वो भाई आए थे जहाँ हम लोग जाते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने जारा ब्रांड, जारा का जारा, उन्होंने बहुत सारे कपड़े लेकर आए, और हम लोग को उसमें से 4 पसंद आए, 2 जारा के लिए 2 मेरे लिए। और वैसे भी हम लोग जा ही रहे थे शॉपिंग करने, लेकिन मेरा क्लाइंट था तो मैं नहीं जा पाई। तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है इनके पास, बताओ के बनाना। हम लोग बहुत प्यारा लगा ये, बहुत अब ब्रांडेड है। हाँ ब्रांडेड जारा है, ये जारा का जारा, ये भी जारा है, ये वीरू मोड़ा है, ये वीरू मोड़ा है। एक्चुअली मैंने अभी वैसा रख दिया, तुम लोगों को पता जब पहने के तो पता चल ही जाएगा आप लोग को। बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे कलर है। 9 हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, कुछ काम है वो करना है, उसके बाद फिर घर जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ काम है नहीं, कहीं जाना है भी नहीं, तो घर ही जाकर बैठेंगे। थोड़ा सा वही अपनी पार्टी, हुक्के की पार्टी हो गया, सारे चीजें चल रही है अभी, और भी कुछ है नहीं इतना, घर ही जाना है, वही हुक्का पीना है, बैठकर टाइम पास करना है, क्योंकि शकीला भी है नहीं, तो शकीला ब्लॉग देखती है। जाना बोलो उसको, देखो यहाँ पर कॉल लगा रहे, उठा ले प्लीज, तेरे लिए जल्दी ब्लॉग हम लोग एंड करें, ताकि ब्लॉग जल्दी जल्दी हम लोग पोस्ट करें तो देखे बैठ के। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नई चीज लेकर, तो ब्लॉग यही एंड करती हूँ, है ना जाना। हाँ कभी कभार कुछ अलग अलग अच्छा लगता है। बाय बाय, लाफिस जाना। ए शकीला ही देख, शकीला ही, शकीला ही देख, देख अल्लाह अल्लाह, शकीला आ गई। ए ले देख शकीला, शकीला, ए शकीला जा शकीला के पास। शकीला अच्छी 5 दिन से बाहर नहीं गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। और आज देखो हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बाहर से, वही चलो कुछ बाहर से स्टार्ट करते, काम था तो वहाँ बिजी थे हम लोग। और अभी हम लोग तो वापस हमारे एरिया में ही है माहड़ा में, अभी हम लोग जा रहे हैं की तरफ, और हवा तो बहुत ज़्यादा ही चल रही है, मेरा फ़ोन भी अनबैलेंस हो रहा है, तो अभी हम लोग माहड़ा में ये देख सकते हैं। और आयशा के चक्कर में हम लोग को रोज़ लेट हो ही जाता है, क्योंकि आयशा ऐसा हम लोग मजा करके बैठ जाते हैं, और कल रात में पहली बारिश गिरी है बॉम्बे में, यहाँ पर मलाड में, बॉम्बे में तो माशाल्लाह गिरी है बारिश, और इससे ज़्यादा और ज़्यादा गर्म हो रहा है। अभी देखते चलते सैलॉन, उसके आगे, और शकीला का कॉल आया था, हम लोग रिसीव नहीं किए थे उसका कॉल, और अब लगा रहे तो उठा रही नहीं है वो, मूड नहीं होगा अभी, कहाँ पर है वो।
और गरम डबल चिबला गरम का आ गए हम लोग सैलून पे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटाल आ रहा है इसलिए। और सब बैठे हैं अपने अपने में, कोई किधर, हम इधर। और आज जब से हम लोग चाय वाय पिए और सिर्फ बातें करते बैठे थे क्योंकि आज कुछ काम नहीं था। और मैं सोची भी थी कि ब्लॉग में देखती हूँ स्टार्ट करूँगी जब कुछ मतलब काम जैसा रहेगा तब, लेकिन बोले चलो रोज़ की अपडेट देना पड़ता है तो ब्लॉगिंग तो फिर बनता ही है। ऐसा नहीं कि कुछ रहे तभी हम ब्लॉगिंग लो और जब नहीं रहे तो बंद कर दो। तो जैसा भी हम लोग भी देखते हैं वैसा आप लोग भी देखो, हम लोग जैसा करते हैं मतलब मेरा बोलने का मतलब है। और मम्मी दादा तो बैठ के हंस रही है, अभी जाना कुछ ढूंढ रही है तो बज रहा है 8:15। बताओ तो क्या ढूंढने बोली, कैसे ढूंढने बोली? मैंने जाना को ढूंढने बोली हूँ कि निकाल अच्छा सूप कहाँ मिलता है, क्योंकि अभी दिल कर रहा है चिकन का अच्छा वाला चटपटा सूप। तो कल तो हम लोग 4 बजे गए थे इडली लाने के लिए क्योंकि दिल कर रहा था इडली खाने का। इडली लाए खाए और हमारी आयजा महारानी सो गई थी लेकिन फिर भी वो उठ गई आयजा, तो फिर सोने में हम लोग को बज गया 5:30 और वही उठकर हम लोग को बज गया। फिर वही निकले तकरीबन घर से हम लोग निकले 5 बजे क्योंकि अम्मा उठ जाती है तो फिर हम लोग भी उसी मस्त मजाक में लग जाते हैं। और अभी सैलून पे आए तो अपने अपने ही सब काम में लगे। अभी जाना कुछ ढूंढ के निकाल रही, मैंने आप लोग से बोली ना, तो जाना देख रही अभी सूप कहाँ मिलता है। दिल कर रहा है सूप पीने का और शकीला के पीछे हम लोग तो हो गए हैं परेशान। शकीला ने फ़ोन की थी, बस 5 मिनट लेट हो गया तो शकीला ने फिर स्विच ऑफ कर दिया और कब से हम लोग उससे परेशान हैं। मैं बोलने वाली थी तुमको, वो जो सनाती कह थी ना, देखिए मैं ढूंढ के कुछ निकाल रही हूँ, जरा कुछ जाना को अच्छी जगह जहाँ सूप पीने जा रहे हैं हम लोग, तो फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा ब्लॉगिंग लूँगी। और आज कुछ नहीं दे दम कंटाल वाला, आज का दिन कंटाल वाला। कोई बात नहीं, शकीला के पीछे धड़ पड़ रहे और कल फिर देखते कहीं जाना है। शकीला। चलो फिर मिलते हैं जहाँ हम लोग सूप पीने जाए। पहुँच गए, कौन सा है ये? फायर बॉल गए। पर अभी आज संडे तो आप लोगों को पता ही है कि सब वेटिंग रहता है, बहुत ज़्यादा ही वेटिंग है, पर फिर भी हम लोग बैठ चुके। और कल का तो पता ही नहीं आप लोगों को स्क्रीन शॉट क्या हुआ, जाना कि कान में मैंने तेल डाल दी एक चम्मच भर के, और मैंने उसको डालने के बाद बोले कि अब 2 दिन के बाद तुम्हारा कान खुलेगा। तो बेचारी अनकम्फर्टेबल है। और अभी हम लोग यहीं बैठे हैं, हम लोग आए यहाँ पर फर्स्ट टाइम है ना पूछ, अभी तो हम लोग पीते रहते हैं हर जगह पे जाकर, कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ और एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट पता चलेगा जो मैं चीनू के साथ जाके एक्सप्लोर करूँगी, बहुत मस्त वाला बताएंगे हम लोग वो भी इंशाल्लाह। और अभी हम लोग आए, हमारा दिल हो रहा था सूप पीने का, तो ये बहुत अच्छा स्पेशल है मतलब जाना बता रही थी। हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। अब वेटिंग में तो बाहर तो बैठेंगे, भूख भी लग रही है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। और अभी दिमाग में आया क्या, संडे मालूम होता तो और जल्दी निकलते हैं। कोई नहीं, चलो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग अच्छा रिव्यू देंगे जो भी रहता है। हम लोग ऐसा नहीं कि अच्छा है, अच्छा रहेगा तो अच्छा, बुरा रहेगा तो बुरा, लेकिन अगर हम लोग अच्छा लगा तो फिर आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आ जाएगा तो बता देगा आपको। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग सूप पियेंगे स्टार्टर्स ट्राई करेंगे। घर पे हम लोगों ने पहले ही बोल चुके कि आज चिकन का सालन बना अच्छा था मस्त, और चावल खा कर जाएंगे तो फिर वो लोग चिल्लाने ही वाले, और वैसे भी हम लोग लेट खाना खाते तो थोड़ा सा नाश्ता हो जाए, लेट हो रहा है पर हो जाए। तो गए अभी ऑर्डर दे रहे हैं और बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही गर्दी है, देखो आप लोग आवाज़ सुनी रहेंगे चिल्लाने की। चलो जो मंगाते हैं थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा है, कुछ पता नहीं कैसी है। खाने का रिव्यू बाद में देंगे हम लोग, बिल्कुल है ना, वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं। पहले चीनू टेस्ट करेगी शेजवान, बहुत
ओके चलो फिर देखते हैं। क्या आया चीनू? अच्छा है। चलो टेस्ट करते हैं। कुछ बोलेंगे? बराबर। चिकन चिल्ली बर्न राइस बस अभी चीनू खाएंगे और चीनू बताएंगे क्योंकि हमारा टेस्टर यही है। नहीं अच्छा लगा पक्का? ठीक है ओके। तो लिए और आप लोग पूछेंगे रिव्यू कैसा देंगे, बता दूं मैं आप लोगों को कि सूप सिर्फ भूख मिटाने के लिए हम लोग को अच्छा लगा। खाने को अल्लाह माफ कर नाम लगा जी, कैसा भी हो अनाज अनाज है, अनाज की कदर होनी चाहिए और हम लोग करते भी है क्योंकि अनाज से इंसान मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे करेगा। मुझे जाना मेरे को याद तो ठीक लगा बट क्या हुआ, मैं यहाँ से जा रही थी अपने को फाइडी के पास जाना है। ओके तो सूप तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक लगा, ठीक लगा मेरे को। ओके चिकन जो था वो मुझे ना बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा बर्न हो गया था, बर्न बोल रही थी जाना, मैं तो बोलती पूरा जल गया, जलिया हुआ पूरा भपका मार दिया। बट लेकिन हम लोग खा लिए, बाकी का हम लोग लेकर आए पार्सल क्योंकि चिकन बहुत अच्छा था बाकी टेस्ट नहीं था। और सूप का टेस्ट इसलिए लगा क्योंकि भूख थी। अब वो चिकन मेरी सुजैन रॉक और शेरू मिलकर खा ली। हाँ क्योंकि वो लोग को लेके जा रहे क्योंकि छोटे छोटे चिकन के पीस है। और हम लोग जाते हैं अपना बैंड्रा, हम लोग खाने वाले लोग हैं स्टमक वाले। और हम लोग रिव्यू इसलिए दे रहे क्योंकि हमारा देखकर कोई और भी जाता हुआ खाने के लिए। हाँ तो जो ब्लॉग देखते हैं वो लोग यही बोलेंगे भाई जामिन लोग जाकर है तो जरूर कुछ अच्छा है। बट ठीक था, आप लोग ट्राई करोगे तो करना बट हमारे हिसाब से मत ही करना ठीक है। इससे बेटर आप लोगों को पता है हमारे लास्ट ब्लॉग में हम लोग मीरा रोड गए थे, बिल्कुल वो बेस्ट था, वो खाना रोटी और सालन चावल। बट ये छोटा सा होटल है बट बेस्ट था, बिल्कुल भी टेस्ट लेस। चलो कोई नहीं होता है पूरा टेस्ट और आधा घंटा वेट करके हम लोग को जगह मिल तो खा कर ही हम लोग जाना कहीं था आगे कहीं और। लेकिन वो आंटी को बेचारी को बहुत सता दिया वो लोगों ने, वो तो आंटी ने कर दी तो बर्दाश्त कर लिए। अभी मूड हो रहा है मेरा हुक्का पीने का, पहली बार थम्स अप ही नहीं था वहाँ पर, पेप्सी मिली चिंगा को। मुझे थम्स अप स्ट्रॉन्ग पीना अच्छा लगता है, पेप्सी वेप्सी नॉर्मल नहीं। एक बार उसका बोलते ना वो उड़ जाता है तो फिर टेस्ट लेस होता मेरे लिए। खैर कोई नहीं, उड़ जाता है वो पेप्सी के अंदर रहता है ना भाप। नहीं पापा झाग। नहीं पापा स्ट्रॉन्ग पना नहीं, क्या बोलते उसने झाग झाग ये सोड़ा सोड़ा। चलो अभी 5D से कुछ लेते हैं ना, मेरा किलो ना मिलते 5D और मैं ली हूँ मोगो मोगो 5D। हाँ अच्छा हेल तो मेरा फेवरेट ही है, मोगो मोगो मैं सिर्फ टेस्ट के लिए ली। और ऐसे तो आप लोगों को पता ही नहीं है हमने कभी डाले ही नहीं है, ऐसे तो हम लोग जूस पीते ही है अलग अलग सब चीज़ों रियल हो गया ये हो गया। मोगो मोगो मैंने ली हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन चीनू का फेवरेट पहले से है हेल। मैं हेल पीती बट मैंने अभी ली सर चेक करती मैं इसका टेस्ट कैसा है। चलो फिर पीते हैं और बता से लिया चिनवा 5D इट्स नॉट 5D 5D मोगो मोगो पी। अभी मैं इसका रिव्यू दूंगी। मुझे सही में ये ना अच्छा नहीं लगा, मेरी जबान बहुत टेस्ट पर बहुत फीका था और आज हेल नहीं था उसके पास, ये लेने का रीजन ये था कि आज हेल नहीं था उसके पास और हेल नहीं था तो मैंने भी ट्राई करती पर मुझे नहीं ऐसा लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के साथ साथ कुछ नरम नरम चीज़ें भी खा रही हूँ और मुझे ऐसा भी नहीं पसंद, ठीक है पर मुझे पसंद नहीं आया है जरा। और तुमको ओ तालगोड़ा लगा, तालगोड़ा लगा और मैं तो आधा लिखी और ये भी आयजा के लिए कि चिलवा को अच्छा ही लगा पर नरम नरम आयजा पी के खुशी जाए। हाँ बच्चों लोग के लिए ठीक है ये, बाकी ऐसा टेस्टी जबान वालों के लिए ठीक नहीं है, हम लोग को चप्पड़ चप्पड़ वाली जबान है हमारी।
चटपटे। हमारे घर में इतनी तूफानी हवा चल रही थी बाहर, ऐसा था बाइक चलाते चलाते हम लोग भी उड़ जाएंगे, है ना, उड़ जाएंगे। और अभी ये देखो के आयजा मोगो मोगो कैसा लगा? अच्छा लगा। आयजा को लाके देखो मोगो मोगो। बिल्लो दोनों पियेंगे कि मुझे नहीं चाहिए। टी जाना खा रही है अभी रात के 1:30 बजे और आज बनाया टी ने चिकन का सालन। अभी रात में खा रहे कबीर सिंह पिक्चर देख रहे। और ये फुद्दम्मा मेरे पैर के पास आई है। और मैं लेटी हूँ और ये फुद्दम्मा वर्क करके चले गए दादी के पास गए कबीर सिंह। बहुत शर्मा की उड़ा रहे कैसे उसको कट 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 कर कर। गुड मॉर्निंग। रात में आज मस्ती कर रही थी उसी मैंने ब्लॉग रुका दी थी तो मेरी चलो अभी शूट करती हूँ। और हमारा चेतन हम भी बैठे हैं रेडी होके हम लोग ऐसा ले एकदम आराम से बैठे। देखो बज रहा है 4:30 वही और आयजा भी आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। पा पा चिन्ह के पा देखो ये देखो टकला मिलता शेर देखो आयसा को हम लोग को बाइक करने आती है और हवा तो कितनी चल रही है ना आयसा हवा बहुत ज्यादा ही चल रही है। और देखो जरा बात कर रही है अभी हम लोग खड़े हैं। देखो टाइटा कर रही है देखो हमारा देखो छोटा चेतन घर से तो निकल गए काफी टाइम हो गया सैलून नहीं गए। सैलून के पास से सैलून का काम करते हुए हम लोग अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने कि जाने को मैंने बोला चलो कुछ शॉपिंग करते हैं ईद के लिए। चलो ड्रेस तो हमारे पास माशाल्लाह है और फिर भी कोई अच्छा लगा तो डिज़ाइन करते कुछ चलो जैसा बर्थडे के डिज़ाइन किए थे वैसा कुछ ही डिज़ाइन करते। मिल गया तो वेलन बुट नहीं मिला तो रेडीमेड जिंदाबाद। मैं चलते हैं देख रहे कुछ थान में से मिल जाए कपड़ा मेरी सोच ऐसी है। और वैसे भी हमारे डिज़ाइनर तो पसंद आती है इसको और बहुत से लोग पहनते इतने कपड़े लेते तुम लोग दिखते क्यों नहीं पहनते हो तो मैं बता दूँ कि पहनते थे हम लोग न्यू कपड़ा मंथ में तो हम लोग 15 दिन नए कपड़े ही पहनते हैं। अल्लाह का शुक्र है दुपट्टे से पता नहीं चलता है करोड़ों ऐसा है। हाँ और 11 के 4 मेरे 4 कपड़े ऐसे पेंडिंग रखे हुए हैं फिर भी जा रहे हैं हम लोग कुछ देखने के लिए मिल जाए ले लेंगे है ना। और ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि दुपट्टे मेरे वही मैं ओढ़ती हूँ क्योंकि ख़राब होते नहीं है कभी कभार ही फूटते हवा इतनी की बात भी हो रही है। चलो फिर कहीं रुक के बात करते डबल कलर का टी शर्ट कुर्ता सॉरी बहुत प्यारा है। हाँ शॉर्ट शर्ट शॉर्ट ओके शॉर्ट पर लेकिन लग रहा नहीं पूरा न्यू पहनी हूँ मैंने पर मैं दुपट्टे से लगाया कि मैं नहीं पहनी हूँ कलर भी नंबर है। और दुपट्टा इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है और कहीं रुक कर बताऊँगी फिर आप लोग को है ना। और वैसे भी हम लोगों को बहुत जल्दी नजराए जाते हैं हम लोग नजराए। चलो मेरा फोन भी आहिस्ते आहिस्ते गिरने जा रहा है क्योंकि हवा बहुत है मौसम के मजे लेते हैं यार है ना। कदर आप लोगों को भी दिखाती हूँ चलो पहले मैं ब्लॉग तो लूँ बैठ रहा पहला यहाँ से मुझे हिल रू मुझे यहाँ से जीन्स लेनी थी और हम लोग ज़्यादातर
बैंड्रा से शॉपिंग करते, लोखंडवाला से करते, आप लोग देखते ही हो। तो अचानक को बोले मुझे जीन्स लेनी है। ऑलरेडी मेरे पास जीन्स है, परसे मैंने नई जीन्स पहनी थी और दिल्ली से तो मैंने इतनी महंगी जीन्स लाई थी वो तो छोटी हो गई, बच्चे लोग को दे दी मैंने, पता रखी हूँ। और परसों मैंने जीन्स पहनी थी, उसका कपड़ा बहुत अच्छा था, तो बैंड्रा से लेता हूँ। वो मिल्ट्री जैसा था कलर उसका, ग्रीन। और आज मैं प्लेन जीन्स लेने आई, प्लेन ब्लू, ब्लैक, सारे कलर, सारे कलर। अभी वाइट लूँगी। और सारा बोलते अच्छा अभी वेस्टर्न बोले, हाँ वेस्टर्न लेते हैं, बाकी टॉप अप तो है अभी, तो अच्छा लगा तो देख लेंगे, वरना फिर देखते हैं। और प्लेन जीन्स तो अच्छी लगती है, कुर्ते उड़ते पहनने में भी अच्छा रहता है, कम्फर्टेबल रहता है, अगर आपको लेगिंग्स नहीं पहने तो। चलो फिर अभी वाइट जीन्स ढूंढ रहे हम लोग, देखो मैंने निकाल दी। और मेरा कलर कितना प्यारा लग रहा है ना टॉप का, माशाल्लाह दो कलर। सास फूल रही है, कुछ पानी नहीं पिला दो गरीब को, जाना। एक दो नहीं लेते हम लोग, लेते ही रहते, हम लोगों की आदत है। ऐसे लोग पसंद है, कस्टमर नहीं, लोग है ना। मैंने सारी शॉपिंग कर ली है वेस्टर्न, आए थे हम लोग इंडियन जैसा कुछ वेयर लेने के लिए, पर अभी तो ईद टाइम है तो ईद का तो अभी नहीं फिलहाल, ऐसे हम लोग कुछ लेने आए थे, बट अभी जाने की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी यहीं से हम लोग वापस निकल जाते हैं घर या सैलून की तरफ, क्योंकि तबीयत ठीक है तो फिर मज़ा नहीं आता घूमने। और वैसे तो शॉपिंग हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी की, बताऊँगी मैं सैलून जाकर कि मैंने क्या कह लिया, मुझाना ने क्या कह लिया। और जाने से अपने लिए सिंगल जीन्स की बिछा रही। तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो कुछ समझ नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, एक दो दिन में फिर आ जाएंगे। अभी कोट सेट बहुत निकला है, जो जाना पहले से पहनते आई, मतलब मैं उसको देखी हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही पहनती है वो, अभी लोगों को समझ में आ रहा है, पहनने आ रहा है। तो ऐसे जाना के पास तीन चार है, अभी उसने और एक ली, वो ही बहुत प्यार है, मैं सोच भूल गई कि एक ही जीन्स ली। और जाना के ऊपर सूट होता है, सबके ऊपर सूट होने की बात अलग है, और जाना के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो पहले से पहन रही है, क्योंकि पहले भी मास्क वो लगाती थी ज़्यादा, तो लोग अभी लगा के धूप में निकलना चालू करें, कोविड आ गया तो ज़्यादा पता चला, मैंने जाना तो गाड़ी चलाते चलाते मास्क लगाती है, हाथ में ग्लव्स पहनती है। चीनी को याद है, हाँ बराबर है ना, मैं जब चीनी से मिली थी उस टाइम पे भी मास्क लगाती थी, हाँ मतलब एक अच्छा लगता था, एक फैशन लगता था वो बड़ा। अभी कोविड आ गया उसके बाद तो शायद से अम्मी बोलते हैं कि भाई मोदी जी को बोलूँगी कि मेरे बच्चों ने जितना मास्क खरीदे ना उसके पैसे तुम क्या करेंगे, बहुत खरीदे। और अभी हम लोगों ने कोट सेट जाने लिए, मैं मेरे पास भी है एक, मैंने चीनू को दो दिलाई हूँ कोट सेट अभी। हाँ अभी, लेकिन वो ब्लैक है पर उसका मुझे कुछ ढूंढना है, वो मिल रहा नहीं है, देखती हूँ कि बैंड्रा में मिलेगा। बैंड्रा या फिर लोखंडवाला, बैंड्रा और लोखंडवाला में ही देख लेते। बहुत अरमान थी जैन को डालने की यहाँ पे, सलमान स्कूल बताई ना, ये मुझे बहुत पसंद है स्कूल। और जैसे कि मेरे दोनों बच्चे लोग को यहाँ पर ही डाली हूँ, तो मेरी बहुत अरमान थी कि मैं जैन को यहाँ पर डालूँ। इंशाल्लाह देखते हैं अभी जैसा भी रहेगा, आगे नसीब में रहेगा तो खड़ेगा, अभी तो सेकेंड में ही है, सेकेंड या थर्ड में। बहुत अच्छी लगती मेरे को स्कूल। अभी हम लोग यहीं से जा रहे हैं बैंड्रा से होते हुए, कुछ काम है वो करेंगे फिर आगे निकलेंगे हम लोग। ईस्ट हाईवे है, शकीला की झाड़ी मार रहे तो जाना है ली, हाँ फ्रेंकी। और मैं ले रही हूँ नूडल्स, यहाँ का बहुत टेस्टी और स्पाइसी है। शकीला की झड़ती लग रही पर शकीला है नहीं अभी तक। बच्चे है गोरे गाँव और मौसम का हाल, टिपके टिपके बारिश आ रही है, यानी तो बारिश गिर चुकी है बहुत है, हम लोग के फेस पे आ रही है बस टिपके टिपके वाली, छोटा छोटा सा फूल हो, मौसम का हाल। पहली बार जब हुई है और मौसम का हाल है कि बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, मौसम का ये भी हाल है कि टिपकी टिपकी बारिश गिर रही है, और शकीला हम लोग को मिली नहीं। ओके अल्लाह, ये भी मौसम का हाल, मौसम का नहीं नहीं सॉरी, ये शकीला का हाल है। क्या कोई नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं घर पे, क्योंकि हमने फ्रेंकी खाए, नूडल्स खाए। क्या खाए चीनू? नूडल्स। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे,
सैलून जाना था बट फिर रात हो चुकी है मेरी आज बहुत रात हो चुकी है। पापा मजाक कर रही, तबियत खराब है तो मैं डायरेक्ट घर ही जा रहे हैं। मिलते हैं आपको डायरेक्ट आयजा के साथ। हम लोग आयजा के लिए आम। देखिए अभी एंट्री करे भी नहीं तो ये हमारे इंतजार बैठे। आयजा आ गए हम लोग घर पे। आयजा और अभी क्या करने वाली मैं, अभी उनका बनाने वाली थी मैं। अपनी माँ बहन का खर्चा चला मिलती पर एक दिन उसके यहाँ तक की पसंदीदा ब्रांड ये देखकर रोहित अपनी माँ की गोद में सहर कर उठेंगी आधे घंटे में। इतनी मेहनत करी थी इसके बावजूद मेरे खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा? मेरी वजह से थी। कोई बात नहीं, रोटी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा नाम चलो पहले खा लेते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह। ये छोटा चेतन सो रहा है तो फटाफट क्लीन भी हो गया। हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब, सारा काम हो रहा है ये पर्दे के पीछे। और अभी हम लोग पी रहे हुक्का। यही एंड करती हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलना मत। कल इंशाल्लाह कुछ नई चीज नई शुरुआत करते। दुआ में याद रखना।